हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर लेक्चर थर्ड ऑफ आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे लेक्चर टू में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32nd ऑफ द एक्सरसाइज 5.5A। इफ फोर टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 18 टाइम्स इट 18th टर्म, देन फाइंड इट्स 22nd टर्म। इसके अंदर देखियो, हमें nth टर्म का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, an इक्वल टू a प्लस में tn का था हमारा मल्टीप्लाई ऑफ nth, क्या होगी हमारी a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। हम ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे, हमारी जो हमारे nth टर्म है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखिए, अंदर एक तो फोर्थ टर्म है और एक हमारी 8th टर्म है। तो फोर्थ टर्म का हमारा 4 गुना है और 18th टर्म का हमारा कितने गुना है, 18 टाइम्स है। दोनों क्या दे रखे हैं इसने, इफ फोर्थ टाइम द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 18 टाइम इट्स 18th टर्म, देन फाइंड इट्स 22nd। तो उसका चौथे वाले का है उसका तो 4 गुना और हमारी 18वीं टर्म है उसका 18 गुना, वो दोनों क्या दे रखे हैं इसने, इक्वल दे रखे हैं। तो उसके बेस पे हमें क्या निकालनी है, इसकी 22nd टर्म क्या होगी। अभी देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है, यदि हमारा n की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ऐसे ही हम n की वैल्यू 18 रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे T4 रखते हैं, T4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस में, इसमें हमारी A क्या है, A हमारी फर्स्ट टर्म है और D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। तो T4 क्या हो जाएगी, T4 इक्वल टू A प्लस में N माइनस, N की वैल्यू क्या हमारी 4 माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज इक्वल टू T4 इक्वल टू A प्लस में 3D। तो जैसे T4 होगी ऐसे हम 18th निकाल देंगे, तो T18th क्या हो जाएगी, तो A प्लस में 18 माइनस 1 क्या होता है, 17D। देखिए हमारे दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इसने इसके हिसाब से बोल रखा है, इसकी हमारी जो चौथी टर्म है उसकी 4 गुणी और 18वीं टर्म है उसकी 18 गुणी, दोनों हमारी बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, इसके अंदर 4 गुना है A प्लस में 3D, दिस इज इक्वल टू 18th टाइम इट्स 18th टर्म, दिस इज इक्वल टू 18 इंटू A प्लस में 17D। देखिए जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन बोला हमने ऐसे ऐसे इसको लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू 4A प्लस में 4 गुणा में 3 12D एंड 18A प्लस में 18 गुणा में 17, 18 17 126, 18 एक 18 और 12 30D। दोनों चीज बराबर हो गई, हम A को उधर ले जाएंगे या फिर हम D को उधर ले जाएंगे। देखिए हमारा क्या होगा, 4A माइनस का 18A करेंगे तो 4A माइनस का 18 इक्वल टू 306D और माइनस का 12। अभी देखिए 4A में से 18 आएगा, कितना गलत रहेगा हमारा, दिस इक्वल टू माइनस का 14A, दिस इज इक्वल टू 306 में से 12 गए हमारा, ये कितने रहेंगे फिर 294D। ये हमारे प्लस के रहेंगे, हमारे माइनस के रहेंगे। अभी देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इक्वल टू माइनस ऑफ द 294 और दिस इज अपॉन 14, और D हमारा एक बार नीचे ले लेते हैं हम इसको, तो दिस इज इक्वल टू, अभी जिससे कट रहा है 7 से, देखिए एक बार 7 × 14 294 हमारा ये 294, तो जाएगा 728 और 7 × 14, 2 से कितना कट गया हमारा 21। तो A बाई डी ये हमारा रेशियो आया है माइनस का 21 और बटे में 1, कितना है माइनस का 21/1। हम माइनस को हम चाहे 21 के साथ करें और चाहे 1 के साथ करें, इसे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हम इसको कॉमन डिफरेंस में ही लेंगे इस माइनस को, क्योंकि हमारा जब टर्म घटती जाएंगी इसमें हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो हम इसका रेशियो आ गया A बाई बी का,
तो ए बाई डी का ये दृश्य आ गया, तो हम इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को एम एक्स लगा सकते हैं। ई को मना 21x और लेट डी इक्वल टू माइनस का x, क्योंकि ये माइनस का है हमारा माइनस वन, तो माइनस वन एक्स, इक्कीस है तो हमारी 21x। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, आप ये चीज देखिए, फाइंड इट्स 22nd टर्म। तो 22nd टर्म हमारी क्या होगी, a प्लस में 21d इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये पहले 8 प्लस में n माइनस n की वैल्यू क्या हमारी इसमें 22 है, तो 22 माइनस गया 21 और इनटू d। तो जैसे जैसे हमारी ये वैल्यूज आई है इसके अंदर रख देते हैं, a की वैल्यू क्या हमारी 21 प्लस में 21 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारी माइनस का एक्स, और यहाँ पे हमारा एक्स भी लगेगा 21x प्लस ऑफ द 21 गुणा में माइनस का एक्स। तो ये 21x और माइनस का 21x दिस इक्वल टू जीरो, तो हमारी 22nd टर्म क्या हो जाएगी जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 30। देखिए हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सेकेंड टर्म और इसके 17 टर्म का सम क्या दे रखा है 30। इफ इट्स 15 टर्म इज वन लेस देन ट्वाइस इज 18th टर्म फाइंड ए। देखिए इसके अंदर और क्या बोला, इसके अंदर इसका पहले दे दिया सेकेंड टर्म और सेवंथ टर्म का सम क्या दे दिया 30 डिग्री। इसलिए हम टी ऑफ द सेकेंड कैसे निकालेंगे, टी टू इक्वल टू लेट हमारी ए तो क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस में 1 डी हो जाएगा टी टू, और हमारा फिर टी सेवन क्या हो जाएगा, टी सेवन दिस इज इक्वल टू ए प्लस में 6 डी। इसके अंदर क्या है, ये हमारी ए है फर्स्ट टर्म और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम हर एक टर्म में मान के चलते हैं ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अभी देखिए टी टू और टी सेवन है, इसका सम दे रखा है टी टू प्लस में टी सेवन, तो इट मीन्स ए प्लस में डी प्लस में ए और प्लस में 6 डी, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आगा 2a प्लस में 7d इक्वल टू 30। तो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, देखिए 2a प्लस 7d क्या दे दिया इसने 30 डिग्री। अभी सेकंड देखिए, इसने सेकंड के बारे में क्या बोल रहा है, इफ इट्स 15th टर्म इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स 18th टर्म फाइंड ap। तो हमें ap फाइंड आउट करनी है, यदि 15वीं टर्म इज लेस देन ट्वाइस इज 18th, इसकी 8वीं टर्म के दुगुनी की एक कम है। तो अभी देखियो t15 निकालेंगे, पहले तो हम t15 इक्वल टू a प्लस में 14d, ऐसे ही t8 निकालेंगे a प्लस में 7d। अभी देखो इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना है कि 15वीं टर्म लेस देन 1 है ट्वाइस इज 18th। देखिए हमारा क्या है, a प्लस में 14d है और इधर क्या दे दिया इसने इस टर्म की ट्वाइस a प्लस में 7d, मतलब हमें 8वीं टर्म की डबल करना है और वो 15वीं टर्म है वो एक कम है। यदि इससे वो एक कम है तो इसके अंदर यदि हम एक जोड़ देंगे तो हमारा ये बैलेंस बन जाएगा, या फिर इसके अंदर से हम एक घटा देंगे, क्योंकि इसने पहले ऑलरेडी क्या बोल दिया, इस टर्म की दो गुना, इस टर्म से एक कम है, ठीक है। इफ इट्स 15 टर्म इज वन लेस देन, ये वन कम है इसकी डबल की, इसको हमें बराबर करने के लिए क्या, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस का 1 करना पड़ेगा, तभी हमारी दोनों इक्वेशन, क्योंकि दिस इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी। तो अभी देखिए इससे आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस में 14d एंड प्लस ऑफ द 1 दिस इज इक्वल टू 2a प्लस में 2 गुणा में 7 14d, ठीक है। तो इसके बाद सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा a को हम सारी चीजों के बाद उधर लेके चले जाते हैं, तो 2a माइनस में a हो जाएगा और 14d से 14d कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1, और जैसे ही इस 1 की वैल्यू हम इनके अंदर रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या आ जाएगी 2 गुणा में 1 प्लस में 7d और बराबर है
30 के बराबर आ गई। 7 डी किसके बराबर आ गई, 30 माइनस का 2 और क्या आ गई 28, और डी की वैल्यू क्या होगी 28 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 4। देखिए हमारी ए की वैल्यू क्या है 1 है और डी की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम अपनी एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी एपी क्या होती है, एपी फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस में डी क्योंकि पहली टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस में 2d, अगली टर्म क्या होती है ए प्लस में 3d। तो ऐसे हमारी पहली टर्म क्या होगी 1 प्लस में 4 5, और 1 प्लस में 2 × 4 चार दूनी 8 9, 1 5 9 4 का डिफरेंस हो रहा है हर किसी में, आगे वाले में फिर से हमारा 4 का डिफरेंस हो जाएगा 9 और 4 13, या फिर इसमें कर लो 1 प्लस में 3 गुणा में 4 12 और 13। तो दिस इज द आवर रिक्वायर्ड एपी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इफ द पी एथ ट्रम ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यू एथ ट्रम ऑफ एपी इज पी देन शो दैट पी प्लस में क्यू टी एथ ट्रम इज 0। तो इसके अंदर क्या बोला है, जो पी वी ट्रम है वो क्यू के बराबर है और जो क्यू वी ट्रम है वो पी के बराबर है। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, तो हमारा टी ऑफ द एन क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 × d। इसके अंदर ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसके अंदर देखिए एन की जगह पी रख देंगे तो टी ऑफ द पी टी एस क्या हो जाएगी ए प्लस में 1, एन की जगह पी रखेंगे तो ये हो जाएगी पी माइनस 1 × d। ऐसे ही सेम प्रोसीजर है, इसमें किसके बराबर दे रखा है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस में पी माइनस 1 × d, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो पहली लाइन में है इसकी पी टी एस ट्रम किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ऐसे हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी, दूसरी लाइन में क्या हो जाएगा टी ऑफ द पी टी एच है और अब होगी क्यू टी एस ट्रम क्या हो जाएगी ए प्लस में क्यू माइनस 1 × d, ठीक है। और यही इसने किसके बराबर दे रखी है ए प्लस में क्यू माइनस 1 × d, ये किसके बराबर देगी हमारे पी के बराबर दे रखी है, एक दूसरे के उल्टे दे रखी है। ये हमारी पी टी एच क्यू के बराबर दे रखी है और क्यू टी एस हमारी पी के बराबर दे रखी है। तो अभी एक बार हमें निकालने क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है टी ऑफ द पी प्लस में क्यू। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 × d, एन के वैल्यू क्या है पी प्लस में क्यू और माइनस 1 लगा के इंटू ऑफ द डी। तो हमें ये चीज क्या करनी है, हमें ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, इसके बेस पे फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज आवर इक्वेशन टू। इसके अंदर एक तो हमारा ए है एक हमारा डी है, दोनों ए और डी को हम क्या कर लेंगे ए की वैल्यू अलग से निकाल के रख देंगे और डी की वैल्यू अलग से निकाल के रख देंगे। इसके अंदर हमने ए तो हमारे इसमें ऑलरेडी सेम है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और माइनस इक्वेशन नंबर टू कर लेंगे। तो जैसे इसमें से घटाएंगे एक बार घटा के देखिए आप ए प्लस में पी माइनस 1 × d बराबर है ये क्यू के बराबर है। तो इसके अंदर घटाएंगे तो एक बार आप कीजिए माइनस का साइन रहेगा, ये सारे माइनस हो जाएंगे, इसे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी देखिए इसके अंदर डी हमारा कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है तो ऊपर क्या हमारा क्यू माइनस का 1। देखिए माइनस का साइन तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो पी हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी माइनस में क्यू, ठीक है। देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी पी माइनस क्यू और डिवाइड बाई क्यू माइनस पी, ठीक है। ऊपर हमारा पी माइनस क्यू है और नीचे हमारा क्यू माइनस में पी है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे माइनस 1 के बराबर आ जाएगी क्योंकि इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे जैसे, तो हमारा ऊपर भी क्यू माइनस पी रह जाएगा और नीचे भी क्या रह जाएगा क्यू माइनस में पी। तो देखिए इसी के साथ हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी डी इक्वल टू माइनस ऑफ द 1। जैसे ही हमारे डी की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो डी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, पुट इन 1 इक्वेशन या फिर 2 में रख लो हमारी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
डी इक्वल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, डी की वैल्यू हमारी माइनस वन है तो इसकी जगह माइनस वन रखेंगे तो हमारी ए ऐसे कैसे रहेगा, ए प्लस में पी माइनस वन इंटू माइनस वन और बराबर है क्यों, ठीक है। देखिए तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ए माइनस में पी माइनस वन बराबर है क्यों, इसके यहाँ पे इधर माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, ए बराबर है क्यू प्लस में पी और माइनस का, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। देखिए ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन हमारी ये इक्वेशन है टी पी प्लस में क्यू टी एच में, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे वैल्यू तो ए की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू प्लस में पी माइनस में वन, क्यू प्लस में पी और माइनस का वन ए की जगह रख दिया, प्लस में ये पहले से छोड़ देंगे इसे पी प्लस में क्यू माइनस ऑफ द वन। अब देखिए डी डी की वैल्यू क्या हमारी माइनस ऑफ द वन है, गुणा में माइनस ऑफ द वन, हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखिए क्यू प्लस में पी और माइनस का वन, तो यहाँ पे माइनस वन गुणा में है तो सारे हमारे साइन पलटी हो जाएंगे, माइनस का तो पी हो जाएगा, माइनस का क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा। अभी देखिए क्यू से क्यू कट रहा है, पी से पी कैंसिल आउट और वन से वन कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी कि पी प्लस में क्यू टी एस टर्म क्या हमारी जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the first term and last term of an APR ANL respectively, it means क्या है? पहली term क्या हमारी A है और last term क्या है L है। देखिए इसके अंदर क्या है? First term क्या हमारी A और इससे आगे जाती जाएंगी और last में हमारी second क्या होती है A plus में D, A plus में 2D। ऐसे हमारी last term क्या है L। उससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी L माइनस में D हो जाएगी, क्योंकि हमेशा A का हमारा D ऐड कर रहे हैं ना, क्या करें हमारा D क्या हमारा कि दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हमारा D हमारा कॉमन डिफरेंस है, ऐसी लास्ट टर्म हमारी क्या इसमें L है, L से पहले वाली L माइनस में D हो जाएगी और उससे पहले वाली L माइनस में 2D हो जाएगी, क्योंकि हमारा इसमें एक इस तरफ से तो D जुड़ रहा है तो इस तरफ लास्ट वाले से हमारा क्या होगा D है कॉमन डिफरेंस वो घटेगा। तो अभी देखिए इसके अंदर क्या बोला, शो दैट सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखियो शुरू से कौन सी टर्म, nवीं टर्म एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और लास्ट से भी nवीं टर्म, इनका सम क्या शो करना हमने, दिस इज इक्वल टू ए प्लस में एल। अभी देखो हम बिगनिंग बात हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, टी ऑफ द nth फ्रॉम बिगनिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये तो हमारा T ऑफ द nth फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें दिक्कत आती है मेन nth फ्रॉम द एंड, देखिए हमारा T ऑफ द nth फ्रॉम एंड, एंड से देखिए कैसे निकालेंगे। एक बार जो हम एक काम कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको पहले समझाया भी है कि लास्ट टर्म का जो है ना, जो लास्ट वाली टर्म से शुरू करके और लास्ट टर्म से nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, लेकिन जस्ट उसको आपको याद नहीं आप फिर भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक काम करिए, आप इसको पलट लीजिए एक बार, हम ये लेते हैं हमारी, ये हमारी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, आगे चौथी टर्म है, आगे पांचवी टर्म है, अप टू लास्ट तक ये जा रही है, ठीक है। इस आप एपी को एक बार ध्यान में रखिए, तो इसमें आप एक बार का फर्क देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई एल बन गई और सेकेंड टर्म क्या बन गई एल माइनस में डी, थर्ड टर्म क्या बनेगी एल माइनस में टू डी। इट मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है माइनस डी है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है माइनस डी है, तो डी की जगह माइनस डी कर देंगे और फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है
उसकी जगह क्या रख देंगे, हम एल रख देंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इसी फॉर्मूले के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो ए है ना, क्योंकि मैं लास्ट से शुरू किया है, ए की वैल्यू क्या हमारी एल है, प्लस में एन माइनस वन निकालनी है या हमारे एन माइनस वन इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर देखिए हमारी एक एक टर्म एक एक इसमें हमारा घट रहा है, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ द डी, ठीक है। ये हो जाएगी टी ऑफ द एन टी एस फ्रॉम द एंड। बस हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है वो इसकी लास्ट है, ठीक है, जो एल है वो इसकी फर्स्ट है, इट मीन्स क्या है, और जो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, एक एक चीज घट रही है, जैसे हमें इसको एपी को पलट दिया, तो इसमें साइंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस का वो चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों टर्म क्या दे रखी, क्या इनको करना हमारा शो करना है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, ए प्लस में एल। तो अभी देखिए इसके अंदर इनका सम निकालना है, तो क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर टू को जोड़ देंगे, तो इसको टी ऑफ द एनएथ फ्रॉम बिगिनिंग प्लस में टी ऑफ द एनएथ फ्रॉम द एंड, हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी बिगिनिंग वाली, और प्लस ऑफ द एल प्लस में एन माइनस वन इंटू माइनस का डी हो जाएगा, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ द डी, ठीक है। अभी देखिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी ऐसे कैसा रहेगा, प्लस में एल माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, तो सेम टू सेम लिख दिया। अभी देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हैं, लेकिन इनके साइन अपोजिट है, तो हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस में एल। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।